दिस इज शनाल और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइन। बिकनी को नो कहने वाली कैटरीना ने अब किया किस करने से इनकार। क्या कैट्स को है अपनी इमेज की चिंता। आइफा के ब्रांड एम्बेसडरशिप के लिए एक बार फिर सामने आया किंग खान का नाम। क्या एसआरके ने कर लिया है आइफा को हाईजैक। मर्डर 2 से मलिका शरावत को टक्कर देने चली जैकलीन के रोल का उन्हीं की फिल्म में हुआ मर्डर। एंड बताएंगे आपको कि मलाइका से अनबन की खबरों को झुटलाकर अरबाज खान ने कहा बताया वाइफ के साथ क्वालिटी टाइम। कैटरीना कैफ को एक बार फिर अपनी इमेज की चिंता सता रही है और उन्होंने कर दिया है ऑन स्क्रीन किससे इनकार। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिसेंटली जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में ऋतिक को किस कर चुकी कैटरीना का ये इनकार सलमान को किस करने के सवाल पर था। तो क्या ये है कैटरीना की कोई नई चाल। सलमान खान चाहे आधी रात भी कैटरीना कैफ की मदद करने के लिए तैयार रहते हों, लेकिन कैटरीना कैफ ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहती जिससे मीडिया उनकी और सलमान की दोस्ती को प्यार में बदलने की न्यूज बना दे। शायद इसीलिए कैटरीना कैफ ने सलमान की फिल्म एक था टाइगर में सलमान को किस करने से इनकार कर दिया है। हालांकि सलमान ने अभी तक अपनी किसी भी एक्ट्रेस को ऑन स्क्रीन किस नहीं किया है, लेकिन फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में ऋतिक और कैटरीना के बीच एक किसिंग सीन बताया जा रहा है जिसके बारे में इन दिनों जमकर न्यूज भी आ रही है। पहले भी फिल्म न्यूयॉर्क में कैटरीना कैफ जॉन अब्राहम को किस कर चुकी हैं, लेकिन अब उन्होंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड सलमान खान तक को किस करने से मना कर दिया है। इसकी वजह ये तो नहीं कि वो अब सलमान के साथ किसी भी तरह का कोई करीबी रिश्ता नहीं रखना चाहती। वैसे इन दिनों कैटरीना को अपनी इमेज की चिंता भी काफी सताने लगी है। हाल ही में कैटरीना ने धूम 3 में बिकनी पहनने से भी इनकार कर दिया था जिसकी वजह से धूम 3 जैसी फिल्म उनके हाथ से निकल गई। धूम 3 में कैटरीना है फाइनली? नहीं है, शी इज नॉट देयर इन धूम 3। अब उन्होंने सलमान खान को भी एक था टाइगर में किस करने से इनकार कर दिया है। वैसे शायद सलमान को कैटरीना के इस फैसले से ज्यादा फर्क न पड़े क्योंकि वो तो खुद ही ऑन स्क्रीन किसिंग से हमेशा दूर ही रहे हैं। कैटरीना का सलमान को किस के लिए इनकार करना उनकी सलमान से दूरी का बहाना है या फिर कैटरीना की नई इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज। आइफा के ब्रांड एम्बेसडर के लिए एक बार फिर शाहरुख खान का नाम सामने आ गया है, पर इस बार इनसाइडर्स पक्की खबर दे रहे हैं कि एसआरके आइफा के ब्रांड एम्बेसडर की उस कुर्सी पर कब्जा कर सकते हैं जो बिग बी के हटने के बाद से खाली है। पहले मिस्टर बच्चन, फिर सलमान खान, फिर शाहरुख खान, क्या आपको लगता है कि आइफा को कोई एक नया ब्रांड एम्बेसडर चाहिए? आर यू रेडी फॉर द ब्रांड एम्बेसडरशिप ऑफ आइफा? सलमान और अमिताभ के बाद आइफा के वारिस बनने को लेकर शाहरुख खान को आया ये गुस्सा जल्द ही हंसी में बदल सकता है। सच साबित हो सकता है जूम का ये सवाल जो शाहरुख को जूम ने कई दिनों पहले पूछा था। पहले मिस्टर बच्चन, फिर सलमान खान, फिर शाहरुख खान, क्या आपको लगता है कि आइफा को कोई एक नया ब्रांड एम्बेसडर चाहिए? आर यू रेडी फॉर द ब्रांड एम्बेसडरशिप ऑफ आइफा? उस वक्त तो शाहरुख को ये बात चुभ गई थी, मगर अब लग गई है जूम के ऑब्जर्वेशन पर मोहर। कहा जा रहा है कि आइफा को इस साल अपने नी इंजरी के बावजूद अटेंड करने वाले किंग खान को ब्रांड एम्बेसडर का रोल ऑफर किया जा रहा है। सुनने में आया है कि ये फैसला तब लिया गया जब आइफा के ऑफिशियल्स ने शाहरुख का वो प्रोमो देखा जो उन्होंने आइफा के टेलीविजन टेलीकास्ट के लिए शूट किया है। और वैसे भी अपने टेलीविजन स्टिंट को लेकर किंग खान कई बार कह चुके हैं बस इसी बेडरूम के बादशाह को आइफा का अच्छा बनाना चाहते हैं ऑर्गेनाइजर्स। हालांकि ऑर्गेनाइजर्स इसे पब्लिकली कहने से हिचक रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है क्या शाहरुख खान तैयार हैं इस ताजपोशी के लिए। एक बार फिर पूछ लेते हैं इन्हीं जनाब से। पहले मिस्टर बच्चन, फिर सलमान खान, फिर शाहरुख खान, क्या आपको लगता है कि आइफा को कोई एक नया ब्रांड एम्बेसडर चाहिए? आर यू रेडी फॉर द ब्रांड एम्बेसडरशिप ऑफ आइफा? भट्ट कैम की मर्डर 2 को लेकर शुरू से बड़े बड़े दावे किए गए थे। यहाँ तक कहा गया था कि जैकलीन मलिका को पीछे छोड़ देंगी, पर फिल्म में तो जैकलीन के रोल का ही हो गया है मर्डर।
इमरान हाशमी और जैकलीन के हॉट सीन्स ने ऑडियंस को थिएटर्स में आने का लालच दिया, लेकिन जिन्होंने ये फिल्म देखी है उन्हें मर्डर 2 देखने पर दूसरी ही कहानी नजर आई। मर्डर 2 में जैकलीन के रोल का मर्डर हो गया है। फिल्म के प्रोमोज में खूब नजर आने वाली जैकलीन फिल्म से गायब है। प्रोमो देखकर लग रहा था कि जैकलीन का मर्डर 2 में रोल काफी दमदार होगा, लेकिन जिसने भी फिल्म देखी है इनका कहना है कि फिल्म में जैकलीन का रोल है ही नहीं, पूरी फिल्म में इमरान ही छाए हुए हैं। Well, बात अगर मर्डर पार्ट 1 की करें तो पूरी फिल्म में मलिका छाई हुई थी, लेकिन मर्डर 2 में ऐसा नहीं है। जैकलीन को सिर्फ प्रोमो में ही खूब दिखाया गया है। हुई ना थोड़ी ताज्जुब की बात, क्योंकि जैकलीन अभी टॉप लीग ऑफ बॉलीवुड एक्ट्रेसेस में शुमार नहीं है, इसलिए ऐसा कहना भी गलत होगा कि उन्हें सिर्फ हाइप देने के लिए प्रोमोज में जम कर दिखाया गया। लगता है भट गैम भी पब्लिसिटी के वही फंडे आजमाने में लग गया है जो दूसरे फिल्म मेकर्स अपनाते हैं। पर देखिए भट साहब, कहीं इससे जनता डिसअपॉइंट ना हो जाए। आईफा अवार्ड्स के लिए टोरंटो गए स्टार्स की मस्ती आ गई है सबके सामने। बॉबी डियोल टोरंटो में बिजी रहे लस्सी बनाने में, तो अरबाज मलाइका ने एक स्पेशल डेट पर बिताए एक दूसरे के साथ काफी वक्त। आईफा 2011 के बहुत सारे नजारे हम टोरंटो से आपके लिए लेकर आए थे, लेकिन ये जो नजारे आप देख रहे हैं ये है थोड़े स्पेशल। सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो मोमेंट जब अरबाज मलाइका ने एक रहकर स्पेंड किया सम क्वालिटी टाइम। अरबाज मलाइका की इस रोमांटिक डेट ने आपको जरूर थोड़ा रोमांटिक कर दिया होगा। Now it's time to explore some very special cuisines. तो आपको जानकर ताज्जुब होगा कि बॉबी ने टोरंटो के कर्ड से बनाकर दिखाई यहाँ लस्सी। दही में कैसे शक्कर डाल के आप मिक्स करेंगे अभी? ठीक है, आपने मैंने ये कर दिया है, अभी मैं इसमें थोड़ा पानी डालूंगा। चलिए खाना पीना भी हो गया, तो अब चलते हैं थोड़ी मस्ती और धमाल करने। तो धमाल मचाने के लिए तैयार है हमारी चिल्लर पार्टी की टीम। अमिताभ बच्चन, दीपिका और सैफ अली खान स्टार आरक्षण के सेट से रोज नए अपडेट्स आ रहे हैं। आपको दिखाते हैं कुछ नई पिक्चर्स जिनमें कैप्चर हुए हैं सैफ एंड दीपिका। बॉलीवुड की गलियारों से छिपते छिपाते प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज आपको डायरेक्टली लेकर जा रहा है आरक्षण के सेट्स पर। देखिए इन एक्सक्लूसिव पिक्चर्स को जो कि हैं ऑन द सेट्स फ्रॉम आरक्षण। इस पिक में देखिए जहां प्रतीक बिजी हैं अपने ही ख्यालों में, तो वहीं सैफ दीपिका को अपने फोन पर कुछ दिखा रहे हैं। और सैफ का ये लुक तो देखिए, जहां वो अपने इस लुक को फ्लॉन्ट कर रहे हैं इन हिज ओन स्टाइल बाय वेयरिंग अ पीच कुर्ता। और ये पिक देखिए सैफ की, इस पिक में सैफ थोड़े टेंस लग रहे हैं। ऑल इन ऑल ये थे बी टाउन की न्यू पिक्स। और भी ज्यादा नए पिक्चर्स के लिए कीप वॉचिंग प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। रिसेंटली कैटरीना कैफ का गिटार से लगाव कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, तो क्या है वो वजह जिसने कैट्स को बना दिया है इतना म्यूजिक लविंग, स्पेशली गिटार्स के लिए? कुछ तो वजह जरूर है कि कैटरीना कैफ पर इन दिनों छाया है गिटार का बुखार। कैटरीना गिटार की दीवानी हो गई है, पर उनकी दीवानगी इस हद तक पहुंच जाएगी इसकी शायद ही किसी ने उम्मीद की होगी। सुनने में आया है कि कैट्स ने एक रिपोर्टर से मांग लिया उसका गिटार। 2-3 दिनों के लिए गिटार अपने घर भी ले आई। कैटरीना ने कितनी प्रैक्टिस की ये तो पता नहीं, पर इतना जरूर है कि कैटरीना गिटार का अच्छा खासा नॉलेज रखती हैं। कैटरीना का ये म्यूजिक सेंस कई बार नजर भी आया है, पर सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि कैट्स का गिटार प्रेम हाल फिलहाल में ही क्यों दिखाई देने लगा है। कहीं इसकी वजह रणबीर की रॉक स्टार तो नहीं? पर ये फिल्म तो काफी लंबे अरसे से बज़ में रही है, जबकि कैट्स का लव फॉर गिटार रिसेंटली निकल कर सामने आया है। तो फिर कहीं इसकी वजह मेरे ब्रदर की दुल्हन में उनके को-स्टार इमरान तो नहीं? क्योंकि वो इमरान ही हैं जो भाग भाग कर बजा रहे हैं गिटार इन दिनों। अभिषेक बच्चन की पिछली फ्लॉप्स का आफ्टर इफेक्ट न जाने कब जाएगा। सुनने में आया है कि अब अब्बास मस्तान की अपकमिंग फिल्म प्लेयर्स में अभिषेक का रोल होगा छोटा और सिकंदर खेर का रोल हो जाएगा बड़ा। We're in this film with आफ्ताब। हम आफ्ताब के साथ इस फिल्म में हैं। अब्बास मस्तान का फिल्म। अब्बास मस्तान फिल्म। I've just changed, we just switched that up. And it's called Players. फिल्म का नाम Players है। उसमें अभिषेक बच्चन, मैं, सिकंदर खेर, सोनम कपूर
विपाशा बासु, नील नितिन मुकेश है। बस बस, इसके आगे की कहानी सिकंदर नहीं हम बताएंगे आपको। अभिषेक बच्चन, विपाशा बासु और नील भले ही इस फिल्म में हैं, पर सिकंदर का रोल बड़ा होता जा रहा है और ये रोल बड़ा होते होते इतना बड़ा होने वाला है कि सिकंदर के रोल ने कर ली है अभिषेक के रोल की बराबरी। जी हाँ, खबरें तो कुछ ऐसी ही आ रही हैं कि अभिषेक की पिछली फ्लॉप्स की परछाई से बचने के लिए अब्बास मस्तान ने अभी के रोल को छोटा और सिकंदर के रोल को बड़ा कर दिया है और अब दोनों का रोल हो गया है बराबर। वैसे भी खेले हम जी जान से में अभिषेक से ज्यादा तारीफ हुई थी सिकंदर के रोल की और रावण जैसी फ्लॉप्स के बाद अब्बास मस्तान ने अभी की स्क्रीन प्रेजेंस को बैलेंस करने का फैसला कर लिया है अपनी इस मल्टी स्टारर फिल्म में और इसका फायदा किसी और को नहीं बल्कि सिकंदर खेर को मिला है। रिसेंटली माधुरी दीक्षित कुछ ऐसी हालत में कैप्चर हुई कि लोगों को खुद ही मिल गया रीजन कि आखिर बॉलीवुड में दोबारा क्यों स्टार्ट नहीं ले पा रहा है उनका करियर। माधुरी दीक्षित भले ही बी टाउन में वापस आ गई हूँ, भले ही दी आइकॉनिक धक धक गर्ल का कमबैक आजा नचले व्यूअर्स को अपनी ट्यून पर नचा नहीं पाया, बट शी केप्ट होप एंड आ गई स्मॉल स्क्रीन पर एंड फिर इश्किया सीक्वल में विद्या को रिप्लेस करने की खबरें आईं, तो लगा माधुरी इज रेडी टू मेक अ कमबैक विद अ बैंग। बट इट सीम्स एक चीज को माधुरी कांट ब्रिंग बैक एंड दैट इज हर यूथ। Recently, Madhuri was spotted by paparazzi in the suburbs of Mumbai and Zoom spotted a bald patch on her head. Oops, Madhuri, it seems you're having more than a bad hair day. We think it's high time you take inspiration from your good friend Salman Khan and get some hair weaving done. Otherwise, kahin hair today gone tomorrow na ho jaye. No wonder Anil Kapoor wanted you to play Sonam's mom. चिलर पार्टी ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और इस चिलर पार्टी ने मुन्नी बदनाम से जुड़े एक रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। क्या है ये चिलर पार्टी का नया धमाल इज अप नेक्स्ट। अगर आप सलमान खान की इस चिल्लर पार्टी के धमाल को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चिल्लर पार्टी का एक बड़ा धमाल जो इंग्लैंड में हुआ है। यहाँ करीब 2154 बॉलीवुड एंथुसियास्ट बच्चों ने बॉलीवुड नंबर्स पर डांस किया और अगर ब्रिटिश मीडिया की माने तो इस गैदरिंग ने बना दिया है वर्ल्ड रिकॉर्ड। इन फैक्ट दे बीटन लास्ट ईयर मुंबई रिकॉर्ड ऑफ 1336 पीपल एट अरबाज खान एंड मलाइका अरोरा खान इवेंट। ऑर्गेनाइजर्स हैव ऑलरेडी सेंट एन एप्लीकेशन फॉर वेरिफिकेशन फ्रॉम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। और इंग्लैंड के इस न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की खास बात यह है कि इस रिकॉर्ड को सेट करने वाली पॉपुलेशन इज टोटल फिरान, जस्ट लाइक द पीपल हु वर चीयरिंग देम। हम आपको दिखाते हैं प्रतीक बब्बर का एक रीसेंट फोटोशूट। ये फोटोशूट प्रतीक ने किया है एक मेंस मैगजीन के लिए। अपनी ब्लैक टी शर्ट एंड रगेड जींस में घूमने वाले प्रतीक ने रिसेंटली शूट किया मैन मैगजीन के लिए, वेयर प्रतीक शोड अस आइकॉनिक स्टाइल्स फॉर टुडेज मैन। ड्रेसिंग डाउन में बिलीव करने वाले प्रतीक को जब ड्रेस अप किया गया तो हाउ कंफर्टेबल ही वाज ये जानते हैं प्रतीक से ही। जस्ट अ चेंज, अ गुड चेंज। आई वांटेड टू ब्रिंग अपॉन अ गुड चेंज इन माय लाइफ एंड दिस इज अ गुड ऑप्शन, समथिंग आई लाइक एंड समथिंग आई वाज पैशनेट अबाउट। वैसे प्रतीक वॉज इंडीड वेरी कंफर्टेबल एंड ये तो आप देख ही सकते हैं, प्रतीक वॉज हैविंग टोटल फन इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। दम मारो दम का ये सेक्सी अवतार देखकर हर लड़की को लगता होगा दैट इट इज अनफेयर दैट प्रतीक इज शूटिंग फॉर अ मैन्स हेल्थ मैगजीन, दिस शुड हैव बीन फॉर अ गर्ल्स मैगजीन। In yellow checks and not a tie, where Prateek looked like a naughty corporate guy, whom you know gets sexier when the sun comes down. To wahi, all suited Prateek looked exactly like the kind of boy you can take home to your mom, if only you could. Planet Bollywood News mein waqt hai ek aur chote se break ka, but don't go away because coming up after the break, Rani Mukherjee kyun karne ja rahi hai weight loss?
जनरली दूसरी फिल्म्स को कॉपी करने की बात एक्सेप्ट करने से बचते हैं बॉलीवुड डायरेक्टर्स, बट मोहित सूरी ने कन्फेस कर ली है दूसरी फिल्म से इंस्पायर होने की बात। जब से फिल्म मर्डर 2 की शुरुआत हुई है, ये फिल्म किसी न किसी वजह से चर्चा में रही है, कभी फिल्म के हॉट सीन्स को लेकर, तो कभी फिल्म में याना गुप्ता के आइटम सॉन्ग को लेकर, या फिर कभी फिल्म के सीन किसी और फिल्म से कॉपी करने को लेकर। वेल, जब जूम ने फिल्म के डायरेक्टर मोहित सूरी से पूछा क्या मर्डर 2 भी किसी फिल्म से कॉपी की गई है, तो सुनिए इनका जवाब। बहुत सारी सीन्स इधर, ये कोरियन से है, एक इंग्लिश से है, एक सॉ से है, बहुत जगह से ऐसा है। ऑब्वियसली यू रेफरेंस इट, यू डू वर्क ऑन थिंग्स, ब्लैक स्वान से कुछ है। सो ये कोई भी जो भी बोलेगा कि आदमी कि ये पूरा मेरा ओरिजिनल थॉट है अपने दिमाग में, कोई सब झूठ बोलते हैं। सब कहीं ना कहीं बैटमैन बिगिंस कहीं से कोई ना कोई शॉट तो लेते हैं, वो सोचते हैं। बिकॉज इन दी एंड हमारी एजुकेशन क्या है, वे डू वी आइदर वी रीड बुक्स और वी वॉच मूवीज और वी डू दिस। जो प्लॉट इस पिक्चर का है कि एक सीरियल किलर कॉल गर्ल्स को मार रहा है, ये एक एज ओल्ड कहानी जैक द रिपर की, जो हमेशा कुछ 18th century में इंग्लैंड में हो रहा था। तो ये कुछ ऐसी बात नहीं है कि कोरियन से ये किधर से। आपके इस कन्फेशन से तो चलो हम सहमत हो गए कि आखिर आपने ये बात तो मान ली कि आपकी फिल्म है एक कॉपी, बट फिल्म को कॉन्ट्रोवर्सीज में लाना समझ के बाहर है। इस पर आप कुछ समझाना चाहोगे? जब आप पिक्चर जिसका नाम है मर्डर 2 आप बना रहे हो, तो ये प्रिपेयर्ड, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड के कुछ ना कुछ कॉन्ट्रोवर्सी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने ही वाला है। तो वो एक प्रेपरेशन के साथ आते हैं। अभी एक सिंपल रोमांटिक फिल्म में अगर ऐसे प्रॉब्लम हो तो लोग थोड़ा डर जाए, पर जब एक मर्डर 2 जैसी पिक्चर आप बना रहे हो तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रोवर्सीज बढ़ती जाएगी। यू नो थिंग्स लाइक दिस विल हैपन एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू फेस इट एज इट कम्स। Well, Mohit, ये बड़ा स्मार्ट आंसर था कि फिल्म में मर्डर पर कंट्रोवर्सी बना रहे हैं तो कंट्रोवर्सी होगी। Well, हम तो यही कहेंगे कि फिल्म को कंट्रोवर्सी में लाकर आपकी फिल्म हिट हो जाए, वरना फिल्म फ्लॉप होना आपके लिए कोई नई कंट्रोवर्सी ना बन जाए। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो अवे बिकॉज कमिंग अप आफ्टर द ब्रेक, रानी मुखर्जी क्यों करने जा रही है वेट लॉस। रानी मुखर्जी करने जा रही है वेट लॉस, क्योंकि रानी आमिर खान स्टारर रीमा काकती की फिल्म में नजर आना चाहती है एकदम परफेक्ट। रानी मुखर्जी आजकल कर रही है काफी मेहनत, जी हाँ, और उन्हें इतनी मेहनत करने का ऑर्डर दिया है उनकी डायरेक्टर रीमा काकती ने। जी हाँ, दरअसल रानी इज स्टारिंग इन रीमाज नेक्स्ट, जहाँ वो प्ले कर रही है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल, और इस रोल के लिए रानी फिट नहीं हो पा रही है बिकॉज ऑफ हर वोलप्चुअस फिगर, और इसी वजह से रीमा चाहती है कि रानी गेट बैक टू शेप और लूज करे 10 किलोस। बस फिर क्या, रानी भी हो गई तैयार टू लूज हर फ्लैब्स एंड गेट हर फैब फिगर बैक, और इसी वजह से रानी आजकल रोज जिम में पूरे 1.5 से 2 घंटे तक करती है रिगरस वर्कआउट। नॉट बैड रानी, जब आपके इरादे इतने पक्के हैं तो वी वोंट बी सरप्राइज अगर आप साइज 0 भी हो जाएं, और आपके इस स्लिम ट्रिम फिगर से शायद आपको ज्यादा फिल्म्स भी मिल जाएं। वी जस्ट विश यू गुड लक रानी। महेश भट्ट मर्डर 2 के विलेन की इतनी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं कि लगता है शायद वो भूल ही गए हैं कि इस फिल्म में जैकलीन और इमरान हाशमी भी है। फिल्म मर्डर 2 इज ऑल सेट टू रिलीज, और फिल्म में काफी तारीफ की जा रही है विलन की, जो है प्रशांत नारायण। प्रशांत प्लेज द विलन इन द फिल्म एंड उनकी तारीफ के पुल कोई और नहीं बल्कि खुद हीरो इमरान के मामा महेश भट्ट बांध रहे हैं। महेश ने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में प्रशांत की तारीफ करते हुए कहा क्यों उन्होंने अब तक प्रशांत को ज्यादा प्रमोट नहीं किया है। ये सबसे की कैरेक्टर जो हमारी फिल्म का है मर्डर 2 का, वो हमने अभी तक पकड़ के रखा है, उसको हम फर्स्ट डे फर्स्ट शो में ऑडियंस के सामने पेश करेंगे। बस यही नहीं, बातों बातों में महेश ने ये भी कह दिया कि प्रशांत का कैरेक्टर उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना फिल्म सड़क में सदाशिव अमरापुरकर का था। और ये जो महारानी का जो कैरेक्टर था सड़क में सदाशिव अमरापुरकर का,
उसका एक 21st century री इन्वेंशन आप देखेंगे मर्डर टू में। तो क्या हम ये मान ले महेश कि मर्डर टू इमरान से ज्यादा प्रशांत की है? जिस तरह सड़क में लोग संजय दत्त की बात तो करते मगर पहले सदाशिव अमरापुरकर की बात करते थे महारानी की, और जैसे शोले की बात करते तो पहले गब्बर की बात करते थे। इसका मतलब ये नहीं था कि अगर आप अमिताभ को निकाल दो या संजय दत्त को सड़क से निकाल दो तो पिक्चर जो है सुपर हिट होगी, नहीं ऐसा नहीं है। इमरान इज द स्पाइन ऑन विच द एंटायर प्रोडक्ट स्टैंड्स, मगर प्रशांत जो है वो आइसिंग इन ऑन द केक है, और आइसिंग जो है वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। मतलब खुद ही इमरान के मामा ने कह दिया कि फिल्म में अगर इमरान केक है तो प्रशांत इज द आइसिंग। With this, it's a wrap. But don't forget to watch our show Be Tonight from Monday to Friday at 10 p.m. We will be back tomorrow with more Bollywood juice. Till then, goodbye. Keep watching Zoom, India's number one Bollywood channel. Mm-hmm.